सत श्री अकाल जी। भाई अमृतपाल सिंह दे वकील इमान सिंह खरा वालों जो हाईकोर्ट विच पटीशन दायर की गई सी उस ते सुनवाई होण तो बाद कोर्ट वालों स्टेट नूं भाई अमृतपाल सिंह पेश करन लई 7 दिन दा टाइम दिता गया सी, जिस ते अज सुनवाई होनी सी। यानी कि अज भाई अमृतपाल सिंह नूं कोर्ट विच पेश कीता जाणा सी। भाई अमृतपाल सिंह दे वकील इमान सिंह खरा ने मीडिया नूं कहा कि भाई अमृतपाल सिंह पुलिस दी कस्टडी विच हन। जो न्यूज़ चैनलां ते चल रहा है वह एक प्रापेगंडा है। उन्हां कहा कि फेक फोटोज किसे दीआं वी बनाईआं जा सकदीआं ने। होर उन्हां ने की कहा, आओ सुनदे हां। एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट, कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर दें। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नजदीक है, सरकार क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफी नजदीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान है चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहां पर जाएगी, सारा जायजा लेगी, वहां जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहां पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 225 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमें रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज में देखा था, न्यूज मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज कर दिया है और अभी तक काफी अंदर है। काफी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फोन आ रहे हैं, किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है, 157 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही है क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों के, उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है।